सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी के एक और न्यू अपकमिंग 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि बहुत जल्द हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। पहले यही स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च होगा रियलमी V25 5G के नेम के साथ, उसके बाद इंडिया के अंदर ये किसी अदर नेम के साथ रीब्रांडेड करके लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर रियलमी की वी सीरीज नहीं आती है, किसी अदर नेम के साथ इसे रीब्रांड किया जाता है। फिलहाल वो तो देखेंगे आगे किस नेम के साथ ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आता है, लेकिन फीचर की अगर बात करें तो भैया काफ़ी धमाके फीचर के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। और ये स्मार्टफोन की जो प्राइजिंग है वो ना ही बजट सेगमेंट के अंदर होगी और ना ही हायर सेगमेंट के अंदर होगी, मीडियम सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन की जो प्राइजिंग है वो हमें देखने को मिलने वाली है। अब वो भी हम लोग एंड के ऊपर बात करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले फीचर से बात करते हैं, उसके बाद प्राइजिंग और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के ऊपर बात करने वाले। सबसे पहले अगर लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है लुक एंड डिज़ाइन वाइज रियलमी 17 5G वेरिएंट की तरह होगा, और ये टेना सर्टिफिकेशन के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, तो इसकी फर्स्ट लुक इमेजेस भी बाहर आ चुकी है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो ऑफ करा रहा हूँ, और फीचर्स वगैरह भी बाहर आ चुके हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये स्मार्टफोन 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश रेट को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है। कुछ लीकर बोल रहे कि भैया 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है, और कुछ लीकर्स बोल रहे कि 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है, बट देखेंगे आगे इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी रिफ्रेश रेट मिलता है तो भैया हमारे लिए बेटर होगा। 90 हर्ट्ज मिलता है तो इसमें भी स्मूथ फील मिलने वाला है, लेकिन ये थोड़ी सी बैटरी कम कंज्यूम करेगा। अगर 120 हर्ट्ज मिलता है तो यहाँ पे थोड़ी सी बेटर स्मूथनेस मिलने वाली है, लेकिन ये थोड़ी बहुत बैटरी को कंज्यूम करेगा। बट अब देखते हैं आगे इन फ्यूचर दोनों में से कौन सा रिफ्रेश रेट यहाँ पे कंफर्म होता है। यहीं पे अगर रियर साइड कैमरास की बात करें तो 64 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरे के साथ आने वाला है, 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर के साथ आने वाला है। और यहीं पे फ्रंट पे लेफ्ट पंच होल कटआउट के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट होगा। बैटरी इमेज की बात करें तो 4500 एमएएच की बैटरी के साथ आने वाला है, जहां पे 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट होगा। यहीं पे अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G के 5G प्रोसेसर के साथ देखने को मिलने वाला है, जो कि 5G कनेक्टिविटी को तो सपोर्ट करती है, लेकिन अब पावरफुल परफॉर्मेंस देने वाली है। 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पर क्लॉक्ड होगी, जिसकी एंटूटु बेंचमार्क स्कोर हमें 354,000 के आसपास देखने को मिली है। और ये जो चिपसेट है ये एड्रीनो 620 ग्राफिक के साथ देखने को मिला है, तो यहाँ पे आपको बेटर ग्राफिक, बैटरी एफिशिएंसी के साथ साथ बेटर परफॉर्मेंस भी मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये स्मार्टफोन फुल गेम पैकेज के साथ आने वाला है, जहाँ पे हमें डिस्प्ले से लेकर परफॉर्मेंस तक बेटर मिलने वाली है, तो ये स्मार्टफोन के रिगार्डिंग हम वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें कुछ अदर डिटेल्स की, तो यहाँ पे देखो ये स्मार्टफोन LPDDR4X रैम टाइप के साथ आने वाला है, UFS 3.0 के साथ आने वाला है। यहीं पे अगर रैम रोम वेरिएंट की बात करें तो 6 128 8 128 एंड 12 256 GB तक यहाँ पे आपको रैम रोम वेरिएंट का सपोर्ट मिलने वाला है। अब ये स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm जैक का सपोर्ट होगा, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ना ही स्पीकर की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है। बट यहाँ पे इतने सारे फीचर दे रखे तो शायद डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिले, बट ये कंफर्म नहीं है। बाकी जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताया वो सभी टेना सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट किए गए फीचर्स के साथ, तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर कब तक आता है और किस नेम के साथ आता है, क्योंकि रियलमी की वी सीरीज जो कि चाइना के अंदर लॉन्च किया जाता है उसे रीब्रांड करके इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाता है। जैसे रियलमी V15 को रीब्रांड करके इंडिया के अंदर रियलमी 17 के नेम से रिलीज़ किया गया था, तो इसी तरीके से यहाँ पे रीब्रांड करके इसे भी इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ये मिड रेंज सेगमेंट वाला स्मार्टफोन होगा, और इसकी जो प्राइजिंग है वो लगभग 25,000 के अप्रोक्स हमें देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो 25,000 के अप्रोक्स फुल्ली गेमिंग पैकेज के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है, प्लस 5G रेडी स्मार्टफोन होगा, तो और क्या चाहिए। फिलहाल आप लोग ये स्मार्टफोन के रिगार्डिंग एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते किसी एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।